ਨਾ 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 ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ वादे उन लोगों ने किए थे कि सरहदों में गोलीबारी बम धमाकों की आवाज़ें बंद होगी, और मैं समझता हूं कि 5 साल में गोलीबारी की आवाज़ें बंद रही बल्कि ज़्यादा तेज़ हुई। ये हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर के जरिए एक मैसेज यहां पे जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और मैं समझता हूँ कि 527 करगिल में लोगों ने जाने दी, अब तो अमन के मुँह में 500 से भी कई आंकड़ा पास कर दिया। तो ये सारी विफलता भाजपा की जो है वो
उन चीज़ों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे जो चुनाव में इन्होंने वादे भी किए थे, सारे वादे खोखले यहाँ पे हुए। अब लोग इनके गुमराह होने की राजनीति में आने वाले नहीं है, लोगों ने मन बढ़ा है कि भाजपा को जम्मू कश्मीर से उखाड़ के दावा करी कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी, पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और उनका कहना है कि जनता उन्हीं का साथ देगी। ये अगर इसको ये कहते हैं कि हमने जवाब दे दिया तो ये आंकड़ा क्यों भूलते हैं कि 500 से ज़्यादा हमारे जवानों ने शहादत दे दी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिस ढंग की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई, तो उस जवाब का असर कोई नहीं। जवाब का तो असर इंदिरा गांधी के टाइम था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। पॉलिटिकल व्यू थी कि 1 लाख से भी ज़्यादा फौजी ने सरेंडर किया। मैं समझता हूँ दोनों की तुलना यहाँ पे किया जाए तो आज जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पीड़ित यहाँ पे है। सरहदों में रहने वाले लोग, यहाँ के रेफ्यूजियों के साथ जो मजाक किया भाजपा के लोगों ने, जो 30 लाख मनमोहन सिंह जी ने पैकेज के माध्यम से राहत देना चाहते थे, 5.5 लाख का सीमित रखा और जम्मू कश्मीर में रेफ्यूजी तबका बहुत ज़्यादा। अब मैं समझता हूँ रेफ्यूजियों से व्यवस्था होते हुए उनकी आवाज अच्छे ढंग से बुलंद यहाँ पे की जाएगी, उनको राहत मिले। भाई साहब नारे लाने का नहीं जतोना, 2 मिनट आराम करो। जम्मू शहर के लोगों ने हमारे वक्त में भी विकास देखा, उस विकास की कड़ी को और ज्यादा तेज हम कर पाए और जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी हो सके। 1996 में 2000 तक हमने रियासत में सरकार भी बनाई, अमन का मोड़ यहाँ पे रहा, इतनी अफरा तफरी का मोड़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी कि अमन बहाल यहाँ पे हो पाए, भाईचारे की ताकतों को और ज़्यादा मजबूती मिले और हम तमाम वर्ग के लोग हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास को मजबूती करते हो, जो हमारी मेन प्रायोरिटी है कि भाईचारे को जिस ढंग से इनकी नीतियों के माध्यम से ठेस पहुंची है उस पर मरम लगाई जाए। सर रमन भल्ला जी, एक और सवाल, इस समय बीजेपी जो है एक दो लोग चुनावी मुद्दा बहुत अच्छा जवाब पूछा, I'm going to go to the hospital.